आज एक नए दिन का आगाज़ हुआ है और ये मैं आपको अभी जो मैंने दिखाया है ये हमारा रूम है यहाँ पे कैलाश में, और इसमें हम चार बंदे रुके हुए, इसमें छः बंदों की जगह मौजूद है और ये सिर्फ 1000 रुपये में हमें मिला है। रात को हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमने ये रूम जो है बुक कर लिया ऑन द स्पॉट, एडवांस में नहीं बुक किया था। और अभी आज का दिन है पूरा का पूरा, हम लोग तैयार हो गए हैं। सबसे पहले हमने नाश्ता करना है, फिर हमने गाइड पकड़ना है और फिर जो है हमने घूमना है विलेजेस में और यहाँ के कल्चर के बारे में जानना है, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? शफीक भाई, ये शॉप आपकी है? जी सर। तो ये यहाँ के लोकल ड्रेसेस हैं? जी सर। और ये क्या है? ये यहाँ क्या ट्रेडिशनल पर्स है? और ये ड्रेस और ये क्या है? टोपियाँ हैं यहाँ की। तो ये आप कितने का सेल करते हैं जी? मुख्तलिफ रेट्स हैं तो? अच्छा, 5000 का भी है। 5000 का जो महंगा होता है उसकी क्या वजह है? अच्छा, मेहनत होती है। सही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पे हर जगह मिल जाती है चित्राल में या सिर्फ ये कैलाश में? अच्छा, कैलाश में जी। ये ऐसे खातून ने पहनी हुई है ये? सही। तो आपकी शॉप में दिखा देता हूँ जरा, ये आपको मैं एक लोकल शॉप दिखा रहा हूँ हमारे होटल के साथ ही है। इसमें ये यहाँ का ट्रेडिशनल स्टफ मौजूद है, इसमें ये हार वगैरह आप देख सकते हैं। और इसमें ये देखिए क्राफ्ट्स भी है, ये शॉप्स एक्चुअली यहाँ पे ना हर जगह पे आपको मिलेंगे। नाश्ता तो हमने कर लिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। इसकी वजह ये थी कि हमें बड़ी भूख लगी हुई थी, लेकिन यहाँ से पहली रिपोर्ट मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि वादी कैलाश में जो हम आए हैं, ये एरिया जो है इसका नाम है बम्बोरियत। आपने भी यही आना है, यही पे आपने स्टे करना है बेसिकली। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये कि ये जो शॉप्स वगैरह हैं ये सारे लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है। इसके खासकर जो छत है इसके, तो हर जगह पे आपको ये शॉप्स नज़र आएंगे। ये जो बम्बोरियत है यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, ये मेन रोड पे, रोड तो वैसे कच्चा है और शॉप्स बने हुए, छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए, रेस्टोरेंट्स बने हुए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने गाइड का कि कोई वो जो गाइड है वो आए, तो उसके साथ फिर हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे। टूर गाइड आ चुका है, इनका नाम है असमत वली और ये बेसिकली कैलाश की ही रहने वाले हैं। तो ये अभी हमें टूर करवाएंगे इस वैली का और हमें सारा गाइड देंगे, सारा इंफॉर्मेशन देंगे और हम साथ ही साथ आपको ये सारा कुछ दिखाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है और हम बहुत वेरी एक्साइटेड है भाई यहाँ कैलाश वैली के हवाले से। तो असमत भाई, क्या कुछ करने वाले हैं आज? कितने घंटे का टूर होगा, क्या कुछ देखेंगे इसमें? 3 घंटे, थोड़ा घंटे लगे, थोड़ा तेज, तकरीबन 3 घंटे लग जाए। 3 घंटे? 3 घंटे। अच्छा, इसमें क्या क्या देखेंगे हम? हम पहले कब्रिस्तान देखेंगे। कब्रिस्तान? हाँ जी जी जी। उसके बाद तो कैलाशी गांव। कैलाशी गांव? हाँ जी जी जी। और उसके बाद तो उनकी कल्चर, ड्रेस वगैरह, ड्रेस वगैरह, कल्चर जी जी। उसके बाद जाएंगे हम इबादत खाना जाएंगे। इबादत खाना जी? अच्छा अच्छा। वो गांव पूरा देख के हम उसके बाद म्यूजियम जाएंगे। वो पूरा देख के हम फिर म्यूजियम जाएंगे। म्यूजियम जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। इसमें टोटल हम कितने गांव देखेंगे? टोटल गांव इधर के 2 गांव, एक गांव नीचे, 2 ऊपर, 3 गांव। अच्छा, 3 गांव, तकरीबन 3 घंटे में होगा? 3 घंटे में। अच्छा, ये देखिए भाई, पानी की ये छोटी छोटी नहर है, साफ़ सुथरा पानी है और साथ में इस तरफ पहाड़ है और बीच में ये रोड है। यहाँ पे शॉप्स है जगह जगह और ख़ामोशी है,
हवा बहुत साफ़ है, खामोशी है, जो कि उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है। और यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है। अभी मैं दीर से आ रहा हूँ, तो दीर में जो है बेसिकली गर्मी थी, पिशावर में भी बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे आके कैलाश वैली में यहाँ पे जो है मौसम बहुत ठंडा है। रात को हमने कंबल ओढ़ के हम सोए हैं। زان بس يخبينا شمال يا سلام بندا هنا इधर कमरे की उसकी मूर्ति इधर बना हुआ है। वो थोड़ा सा खान बंदा था क्योंकि उसका मूर्ति बना के इधर रख दिया गया है। जबरदस्त। इसके साथ उसकी ये बीवी भी है? नहीं, ये जो दोनों हुए मर्द जी। जो हमें पहली जगह दिखा रहे ये गाइड, वो है ये कब्रिस्तान। अरे यहाँ का जो कैलाश वैली है उसका कब्रिस्तान है ये। मैं कब्र इस तरह होती है, आप देख सकते हैं, दैट्स द टॉम्ब एंड सो दिस वन इज आल्सो देयर। ये ना पहले बंदे इधर आके कब्र खोदते। अच्छा, पहले कब्र खोदते जी, 9-10 बंदे इधर आ जाते, उसके बाद कब्र खोद के बंदा उधर से आते, उधर से वो मैत को उठा के ले आते ना। अच्छा। सारे मर्द उधर आते, इधर आके इसको दफनाते, दफनाने के बाद वो कुछ रोटी मोटी उनके वो इधर करके जाते, इधर से वापस उधर जाते। उधर लोगों के लिए बड़ा इंतजाम हो जाती है, उधर तकरीबन 10-15-20-25 बकरियाँ जबह हो जाती है। उस टाइम पूरे लोगों को बुलाए जाते हैं, उस टाइम उधर 2 दिन तक लोगों को खाना दिया जाता है। नहीं, मैंने कहा ये दफनाते कैसे हैं? ये वैसे ही दफनाते हैं जी? वैसे ही दफनाते जैसे कि इधर दफनाया हुआ है। अच्छा अच्छा जी। मतलब वो ऊपर अब मिट्टी नहीं डालते? मिट्टी तो पहले तो नहीं डालते थे ना, अभी तो उसके ऊपर मिट्टी भी डालते। अभी डालते हैं, पहले नहीं डालते? पहले नहीं डालते। तो वो फिर जो मैयत है वही पड़ी रहती थी और उसकी हड्डियां वगैरह निकल आती थी? ऊपर से बंद होता था ना। अच्छा। लेकिन पुराने होते तो टूट जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, इस वजह से वो सारा हड्डियां मड्डियां निकल आती है। अच्छा, फैमिली वाला कोई आएगा तो इधर ठहरेगा? जी इधर। अच्छा अच्छा, इधर ठहरना चाहे वो इधर ठहरेगा, जो ठहरना चाहे। अच्छा, सिर्फ फैमिली। तो ये क्या, इसकी चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस के पता तो हमको नहीं है, जो इधर के मैनेजर को पता चाहिए। अच्छा, मैनेजर कौन है, लड़की है लड़का है? लड़की है। उसको पता है कि कितने चार्जेस के पर नाइट के हिसाब से होता होगा? अच्छा अच्छा। ये यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, ये कैलाश वैली में एडगिर सारे पहाड़, और ये बहुत खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और ये हमारा गाइड्स जो है असमत, इसने बताया है कि यहाँ पे जो फैमिली वाले लोग आते हैं बाहर से जो आते हैं, हाँ, वो यहाँ पे ठहरते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं इस गेस्ट हाउस में। इसमें सारा ट्रेडिशनल स्टफ है, मेरी ख्वातीन है और नॉर्मल सारा सिस्टम है। मेरे ख्याल से फैमिलियाँ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंजॉय कर सकती है। और ये मुझे नहीं पता कि इसके कितने चार्जेस होंगे पर नाइट। इन्होंने कहा मैनेजर से पूछते रहे, मैनेजर अभी है नहीं, तो बहुत मज़े की जगह है ये। क्या आपको ये ट्रीज नज़र आएंगे, ये अंगूर का ट्री है, और ये जो है सेब का है। मैं सेब अभी जो है ऑलरेडी मौजूद है।
अच्छा जो हम उधर आए देखने से कल्चर देखने के लिए अच्छा अच्छा ये जो रहा हूं कायत की जगह है ऊपर क्या है कैलाशी ड्रेस अच्छा कैलाशी ड्रेस ऊपर है और मर्दों के लिए औरतों के लिए अच्छा हुआ है बेचने के लिए चीजें अच्छा जो आते हैं वो लेते हैं अच्छा अच्छा टूरिस्ट वाले उनके मुख्तलिफ रेट होते हैं सही सही जो लेना चाहे ठीक 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 वो सामने सफेद सफेद वाला पत्थर है वो सामने वाला अच्छा अच्छा वही बात खाना है वो बात खाना है ठीक ये यहाँ पर एक और ट्रेडिशनल घर है और इस घर के छत पे यहाँ पे छोटी सी शॉप बनी हुई है जिसमें यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं ये बच्चों के हैं ये बड़ों के हैं और ये भी बड़ों के हैं और ये यहाँ का ट्रेडिशनल इसको क्या कहते हैं टोपी है अच्छा और ये वो दूसरी वाली टोपी है जो कलाशी हाँ टोपी जो आप आमतौर पर देखते हैं पाकिस्तान भर में अक्सर लोग पहनते हैं कितने का मिलेगा ये टोपी तो 1200 होता है और ये वाली 500 मतलब पर छोटा है तो सस्ता है पर बड़ा है ये होता है पर अब्बा ये 600 में पर होता है पर महंगा हाँ ये महंगा है यहाँ ये गिलगित से आया था ये था यहाँ हम चार दाना लाया वो बहुत महंगा है भाई 4500 में हम लाया हमारा तो बस क्या है फिर गोल लोग कह रहे हैं महंगा ये इस तरह पता है 500 वाला हो गया अभी हम यहाँ पे घर में बैठे हुए ट्रेडिशनल घर में ये देखिए ट्रेडिशनल टोपी भी हिजाब भाई ने पहनी हुई है ये हमने यही से परचेज़ की है और अभी हम यहाँ पे ग्रीन टी जो है पी रहे हैं इन्होंने हमें सर्व किया है थैंक यू वेरी मच भाई आपका क्या नाम है आपका नादिर नादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कैलाश वैली में फिर से कैलाश बोल रहा हूँ कैलाश वैली में और बस टाइम गुजर रहा है और एक ट्रेडिशनल घर जो है बड़े खूबसूरत होते हैं यहाँ पे लकड़ियों के ज़्यादातर बने होते हैं और साथ में ये देखो इस घर से जो आप व्यू देखें ये नज़ारा देखें पानी ज़ाया हो रहा है इधर से चलना है नीचे जाना है इधर से चलना अच्छा ये असमत भाई ये बताओ कि यहाँ के शादी ब्याह का क्या सिलसिला होता है मतलब शादी ब्याह के तो अपने पसंद के किस्से होते हैं ना अच्छा मतलब लड़का लड़की अपने पसंद से करते हैं अच्छा यहाँ का ये रिवाज है कि जो लड़की को लड़का पसंद आए या लड़की को तो उससे करते हैं जी जी उससे तो माँ बाप उसके ऊपर कोई वो नहीं करते रुकावट नहीं डालते कैलाशी अच्छा कैलाशी कल्चर में ये है कैलाशी कल्चर में ये अच्छा जी फिर शादी का तरीका क्या होता है
जो मांगनी भी कर सकते हैं। अच्छा, और बगा के भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, बगा की भी शादी कर सकते हैं, ये भी चीज़ है यहाँ पे। यानी फिर वो बगा के कहाँ जाते हैं? अपने घर, वो जो जिधर इधर से ले जाते हैं बगाने। अच्छा। के मतलब ऐसा है कि ना इधर से वो उसको ले जाते हैं। अच्छा। अपने घर में जो मर्द है ना, वो जी शादी करने वाला है ना, उसके घर जाते हैं ना। और कोई उसके पीछे ज्यादा नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं जाता। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो रहते इसी इलाके में है, रहते इधर इसी इलाके। अच्छा अच्छा, नॉर्मली शादी करनी हो तो उसकी कोई तकरीब होती है? नहीं, जैसे हम लोग वहाँ दूसरे पाकिस्तान में ना वलीमा होता है, फिर शादी होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काना माना देते हैं शादी में? काना माना तो बहुत देते हैं, लोगों को मेहमान बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, सबको इनवाइट करते हैं? सबको इनवाइट करते हैं जी। अच्छा, जो भी आते हैं उनको खाना देते हैं। अच्छा अच्छा, जो तो और कोई चीज़ इसमें है, कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे पाकिस्तान में ना हो शादी ब्याह में? नहीं नहीं, वही नॉर्मल तरीका होता है, नॉर्मल तरीका है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम कलाश दूर म्यूज़ियम आए हैं। यहाँ पे आपको ये एक लोकल म्यूज़ियम है कलाश में, उसमें जाके अभी देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ये जो म्यूज़ियम है, अभी मैं इसको विज़िट करके आया हूँ अंदर से, लेकिन यहाँ पे एक इशू हुआ है, जैसे पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, ऑलरेडी जो पेशावर का म्यूज़ियम मैंने आपको दिखाया था, तो ये इशू वहाँ भी आया था। और इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि अंदर आप जो वीडियो है ना वो नहीं बना सकते, पिक्चर तो बना सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते, उसके अलग चार्जेज हैं। तो म्यूज़ियम तो बहुत ही खूबसूरत है और नाइस है, तो उसका ये है कि विज़िट तो मैंने किया है यहाँ पे, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है। और मैं अंदर आके पूरा एक हमारा जो यहाँ पे म्यूज़ियम में एक लड़का है जो गाइड करता है सबको, सब चीज़ों के बारे में बताता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें तो उन्होंने मुझे बता दी। ये जो म्यूज़ियम का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, एक जगह पर म्यूज़ियम बना हुआ है और इसके पीछे यहाँ पर स्कूल भी है, जो अभी मैं यहाँ पे एंटर हुआ था तो बच्चे मैंने देखे हैं। तो इस म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पे ये म्यूज़ियम, इसमें जो है ना वो ड्रेसेस, लोकल ड्रेसेस, यानी जो कल्चरल ड्रेसेस है, जिसमें नई भी है और पुराने भी है, यानी कि पहले इनकी ड्रेस कैसी थी फिर कैसे टाइम के साथ चेंज होती गई, वो चीज़ें हैं। और इनका जो घरेलू सामान है, इक्विपमेंट है, जो वेपन्स है, जो पुराने ज़माने के अंदर यूज़ होने वाले वेपन्स हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई, वो इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग दो तीन चीज़ें मैंने देखी है, उसमें एक है इनका वो जो एक टेंपल सा होता है ना, जो इबादतगाह टाइप जगह होती है जहाँ पर ये लोग अपने मैयत को रखते हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी उसमें जो, और जो 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 इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली है तो वो मतलब पहले नहीं पता थी मुझे एक्चुअली। और उसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जब मैयत हो जाती है तो जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो तो रोते हैं, मतलब गम का इज़हार करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं गांव से या दूसरे वैली से, वो ढोल बजाते हैं। तो इससे इनका मतलब ये होता है कि ये जो है बेसिकली खुशी खुशी कह रहे कि हम जो बंदा मर जाता है तो उसको हम रुख्सत करते हैं। कलाश में ये मैं म्यूज़ियम देखने आया था, तो एक आदमी आया है, लड़का है, आदमी तो नहीं कह सकते, हमायूं नाम है इनका, और इन्होंने हमें पहचान लिया है, हमारी वीडियोस देखी है इन्होंने, फ्लाइंग टू वर्ल्ड सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये बहुत अच्छे, ये गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, और ये इस टूर में तीसरे आदमी है, एक बीर में बंदे ने मुझे पहचाना था, एक पेशावर में,
और ये कैलाश में, लेकिन ये बेसिकली गुजरांवाला के हैं। जी भाई बताएं अपने ख्यालात बताएं। इनको जरूर सब्सक्राइब करें, इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिया, लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट टूर, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनके। मैं चैनल को बहुत ज़्यादा देखता हूँ और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। थैंक यू वेरी मच यार, हम आए हूँ मिलकर, बड़ी खुशी हुई आपसे। यह भी असमत लेकर आया है हमें ऊपर। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे चिलम जोश के नाम से फेस्टिवल होता है यहाँ कैलाश वैली में मई के महीने में। तो अगर आप यहाँ का फेस्टिवल लोकल देखना चाहते हैं ना, इसमें सारे लोग जो है बच्चे बड़े खुवातीन लड़कियाँ सब एक जगह पे जमा होती है और वो फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करती है यहाँ पे। तो ये भी दूसरा गाँव है यहाँ पे कैलाश वैली में। पैदल ही आए हैं हम तकरीबन वो म्यूजियम से थोड़ा 10 मिनट तक वॉक करके इधर आए हैं, तो अभी भी हम चल रहे हैं। भैया मैं तो पैदल चलता रहता हूँ, तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है यार। आपका भाई अपुन जो है हर जगह पे चलता रहता है, 3 घंटे 4 घंटे 10 किलोमीटर जितना भी पैदल चलना हो हम आराम से चल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है यार। लेकिन ये हमारे साथ जो खिलाड़ी आए हुए हैं ना, इनके इंजन ख़राब हो गए हैं, थक गए हैं। मैं और वो गाइड जो है कभी कभी सेब खा जाते हैं, बहुत आगे चल रहे होते हैं और ये 1 किलोमीटर पीछे रह जाते हैं। तो What to say? बादशाह और ये और एक पीछे है एक बंदा है, क्या नाम है इसने लिया उसका, छोटा प्याज बूटा। लंच भी हमने कर लिया और एक बार फिर मैं भूल गया उसको रिकॉर्ड करना। बेसिकली यहाँ खाने का भी इशू होता है, अक्सर जगह पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें मिल गया। हमने चिकन कढ़ाई जो है यहाँ पे खाई है, रात को भी हमने चिकन कढ़ाई ही खाई थी, और चिकन कढ़ाई जो है वो वही पे मुर्गी काट के आपके सामने बनाते हैं, और बस फिर सही है भूख वगैरह मिटाने के लिए बेस्ट चीज़ है। अभी हम थोड़ा सा रिचार्ज हो गए हैं, हमें होटल से निकले हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, और अभी हम यहाँ पे एक कब्रिस्तान जा रहे हैं
جو میرے خیال سے کلاش ویلی میں ہمارا آخری ڈیسٹینیشن ہوگا. اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل کی طرف واپس جائیں گے. کھانے کا یہاں پہ خرچہ جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. رات کو بھی ہم نے کھانا کھایا ہے, 4 بندوں کے 1000 روپے بنے تھے, چکن کڑھائی, اور ابھی جو ہم نے کھایا ہے اس کے بھی وہی بنے تھے 1000. تو اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو. اور یہ ابھی قبرستان آ گیا ہے, پرانے قبریں ہیں. کیا نام ہے اس ویلی کا بھائی؟ کرکرال. کرکرال ویلی جو ہے یہ آخری ویلی ہے کلاش میں. جی. اور یہ قبرستان, اس کی کیا سٹوری ہے بھائی؟ یہ پرانی قبر ہے. پرانی کتنی پرانی قبر ہے؟ تقریباً 100 سال پرانی. 100 سال پرانی. تو یہ اسی حالت میں ہے ابھی کیا؟ نہیں, جو اسی حالت میں نہیں, یہاں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے. اچھا, ٹوٹی پھوٹی ہے. تو اس میں پھر لوگ ہیں یا نہیں؟ لوگوں کی اڈیاں ہیں. اڈیاں ہیں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے؟ ابھی بھی پڑی ہوئی. اچھا, ہاں یہ نظر آ گئی ہڈیاں. یہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں میرے بھائی. 100 سال پرانی قبریں ہیں اور اس میں ابھی بھی ان قبروں میں انسانوں کی ہڈیاں موجود ہیں. لکڑیوں کی قبریں ہوتی تھی. اچھا, اس میں بھی ہے یہ دیکھیں. یہ کھوپڑی. کھوپڑی کیا ہے؟ عصمت ولی نے یہاں پہ, ہمارا گائیڈ جو ہے, اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے درخت 500 سال پرانا ہے اور دوسرا والا بھی 500 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے, سچ بول رہے ہو؟ ایمان سے بس ٹھیک ہے, لگ بھی رہا ہے کیونکہ بہت بڑا درخت ہے اور بہت ہی مضبوط ہے. اور یہ دیار کا ہے, یہ قبرستان میں ہی ہے جس کو ہم وزٹ کرنے والے ہیں. لکڑی کا درخت. یہ آخری گاؤں ہے؟ یہ آخری گاؤں. اچھا, اس میں کتنے گھر ہیں؟ تقریباً ہوں گے ادھر 60 گھر ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کرکال ویلی. کرکال ویلی. اچھا اچھا, کرکال ویلی یہاں کی آخری ویلی. بتایا جانا
अभी एक और यहाँ पे लोकल घर में हम आए हैं, ट्रेडिशनल घर है ये अपना करकाल वैली में, जो कैलाश में आखिरी वैली है। जी इमरान खान ने खत्म किए चेक में, पहले था, पहले तो बहुत साफ था, ये इमरान खान ने खत्म नहीं किया, ये मंजूर पश्तून ने खत्म किया। जी मंजूर पश्तून फाइनली हमारा टूर कंप्लीट हो गया, 4 बजे है हम वापस आए हैं, 9 बजे हमने दिन में स्टार्ट किया था ये टूर कैलाश वैली का, और सारा हमने बाय फुट किया है, और तकरीबन 7 घंटे लगे हैं जाने में और वापस आने में। 3 विलेजेस हमने देखे हैं, कब्रिस्तान देखे हैं हमने, उनके उनका म्यूज़ियम देखा है, बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम था, और लड़के ने हमें मालूमात दी है, तो आप भी ईजी कर सकते हैं ये टूर, इतना मुश्किल नहीं है, और तकरीबन 500-600 रुपये में आपको आराम से गाइड मिल जाएगा, यहाँ आपके जो भी जिस भी होटल में आप ठहरते हैं तो वहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा, और वो गाइड आपको ड्रॉप करेगा वहाँ पे जो है, मतलब आपको दिखाएगा सारा कुछ, और यहाँ पे घूमना फिरना इजी है, कल्चर यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, मज़ा आया हमें, तो ये मज़ा आपको भी आ सकता है, और रास्ता तो ख़राब था यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन जगह बेहतरीन जगह है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है ये मिस ना करें।